होश उड़ाने वाली ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिनकी मदद से आप ऑटोडेस्क माया के अंदर किसी भी गाड़ी को सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं होश उड़ाने वाली ट्रिक माया के अंदर। ओके, तो मेरे पास है ऑटोडेस्क माया 2020। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। तो मैंने माया ओपन कर लिया है। माया ओपन करने के बाद एक बार ऐप दबा देता हूं जिससे फोकस में आ जाएंगे। सबसे पहले जो चीज हम बनाने वाले हैं, चाहे वो ट्रक हो, गाड़ी हो, तो मैं आज के वीडियो में एक गाड़ी बनाने वाला हूं, ठीक है? ओके, तो इसके लिए सबसे पहला काम है हमारा उस गाड़ी का इमेज को यहां पर लाना। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस का बटन दबाएंगे और यहां से आ जाएंगे साइड व्यू में। सिर्फ एक व्यू में काम करेंगे और मल्टीपल व्यू में ऑटोमेटिक ही हमारा कार बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले साइड व्यू में आने के बाद यहां से आएंगे व्यू के ऊपर, यहां से आएंगे इमेज प्लेन के ऊपर और यहां से इंपोर्ट इमेज कर लेंगे। ओके, और यहां से हम सिर्फ और सिर्फ साइड व्यू से काम करेंगे और एकदम रियलिटी के जैसा इसका रिजल्ट लाएंगे, ठीक है? तो मैंने साइड के ऊपर क्लिक किया और यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। जैसे ही हमने ओपन किया, यहां पर हमारा गाड़ी आ चुका है। मैं स्केल टूल में आने के बाद इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूं। तो मैंने इतना बड़ा जो है स्केल कर लिया और यहां से मैं क्या करता हूं, इस ग्रिड के ऊपर यहां पर लाकर रख देता हूं। स्पेस बार का बटन दबाता हूं और यहां से प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाता हूं। देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव व्यू इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहां से भी मैं इसको पीछे रख देता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर इसको रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लॉक कर दूंगा। तो चैनल बॉक्स को मैं इधर से खोल लेता हूं, यहां से भी आप खोल सकते हैं। तो यहां से मैं चैनल बॉक्स को खोल लिया हूं और इसको मैं लॉक कर दूंगा। ओके, लॉक करने के लिए मैं सभी को सेलेक्ट करूंगा, इस प्रकार से राइट क्लिक करूंगा और यहां से लॉक सेलेक्टेड के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और ये लॉक हो चुका है। अब ये इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, तो मैंने इस प्रकार से कर लिया है। अब हमारा अगला काम है, सारे के सारे जो काम है वो होगा साइड व्यू में। ओके, तो स्पेस बार का बटन दबाएंगे और यहां से साइड व्यू में आ जाएंगे। ओके, साइड व्यू में आने के बाद यहां से एक प्लेन लेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्लेन से गाड़ी नहीं बनाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग के लिए यहां पर प्लेन हम ले रहे हैं, ठीक है? लाइन क्रिएट करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहां प्लेन के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से मैं ड्रैग कर दूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप कॉमेंट तो अवश्य ही कीजिएगा और लाइक तो बनता है यार, ठीक है? तो मैंने इस प्रकार से कर लिया। करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट किया हूं, कंट्रोल के साथ ए का बटन दबाऊंगा तो एट्रीब्यूट एडिटर आ जाएगा और यहां से मैं ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा डिम करके इस प्रकार से कर दूंगा ताकि हमारा नीचे वाला लेयर दिखने लगे, ठीक है? ओके, तो मैंने इस प्रकार से कर दिया है। करने के बाद मैं क्या करूंगा, आरटीव्यू एडिटर को भी बंद कर दूंगा। अभी हमारा जो इमेज है इस प्रकार से दिखाई देने लगा है। इसको हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम नया ही क्रिएट करने वाले हैं। सब कुछ आज जो है सिर्फ ट्रिक से होने वाला है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां से क्रिएट के ऊपर जाएंगे और यहां से हमारे पास है कर्व टूल। ओके, कर्व टूल के अंदर हम लेंगे बेजियर कर्व टूल को। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके, क्लिक हमने कर दिया। आज के वीडियो के आगे हमारा पीछे वाला वीडियो एकदम जीरो है, ठीक है? तो आज का वीडियो आप स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? तो चलिए, मैंने यहां पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहां पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं करूंगा यहां पर और इस प्रकार से मैं यहां ड्रैग करूंगा। ओके, ड्रैग करने के बाद मैं यहां पर क्लिक कर लूंगा, उसके बाद मैं यहां पर क्लिक करूंगा, ठीक है? क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली यहां पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं कर्व ढूंढूंगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां पे क्लिक करूंगा। ओके, यहां पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली यहां पर क्लिक करूंगा। ओके, यहां पर करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे दबाऊंगा। ओके, उसके बाद मैं यहां पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा, हल्का सा इसको कर दूंगा और उसके बाद फिर से मैं यहां पर क्लिक करूंगा और यहां पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर क्लिक करूंगा, यहां पर करूंगा, यहां पर करूंगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहां पर करूंगा, यहां पर करूंगा और उसके बाद मैं डायरेक्टली आधा पे यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है? यहां पर आने के बाद मैं इस प्रकार से यहां पर ड्रैग कर लूंगा और डायरेक्टली मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा। ओके, यहां पर क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, डायरेक्ट यहीं पर क्लिक कर दूंगा। तो यहां पर हमने क्लिक कर दिया,
ओके, यहां पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं आधा पर क्लिक करूंगा और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से मैं बना लूंगा और फिर से मैं डायरेक्टली यहां पर क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको चाहो तो मैं यहीं पर ला करके छोड़ देता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसा ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक्यूरेट है, ओके। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली किसी भी टूल में आ जाऊंगा और स्पेस बार का डबल बटन दबाने के बाद मैं इस व्यू में आ जाऊंगा, ओके। अब देखिए हमने जो कार की ट्रेस की है वो कुछ इस प्रकार से की है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमने पीछे का प्लेन क्रिएट किया था इसका कोई काम नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। हमने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको मैंने इस प्रकार सेलेक्ट किया और यहां से मैं क्या करूंगा, कब में आ जाऊंगा, तो मैंने कब में आया और यहां से मैं क्या करूंगा, अटैच कर सकता हूं या फिर क्लोज कर सकता हूं। तो ओपन और क्लोज देख लीजिए, ये रहा ओपन और क्लोज, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे एक ही बार में ये कार के शेप में आ जाएगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ी सी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां जाएंगे सरफेस के ऊपर, ओके, और यहां से प्लेनर के डायलॉग बॉक्स को ऑन कर लेंगे, ओके। यहां से मैं क्या करूंगा, कंप्लीट्स के ऊपर हमें क्लिक करना है, आप चाहे तो नर्व्स के ऊपर भी कर सकते हैं, ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पॉलीगॉन्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके। पॉलीगॉन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जनरल के ऊपर क्लिक करना है और जनरल के ऊपर करने के बाद आपको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सेटिंग आप देख लीजिए, कंप्लीट, ओके, पॉलीगॉन्स, कोड्स, जनरल, ओके, और यहां से सारे सारे डिफॉल्ट ही रहने देना है और डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। जैसे ही हमने अप्लाई किया, अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक कार नुमा शेप यहां पर बन चुका है, लेकिन हमने आरटीव्यू एडिटर के अंदर जाने के बाद मैंने इसको ये जो ट्रांसपेरेंसी कम किया था, फिर से कंट्रोल ए कर देते हैं और इसका ट्रांसपेरेंसी हम पहले से खत्म कर देते थे, हमने ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दिया। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहां पर क्लिक करूंगा नर्व्स, ओके, नर्व्स के ऊपर हमने क्लिक किया और यहां पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सूट बैठता है। तो काउंट में आ जाते हैं, तो देखिए काउंट वाला यहां पर गजब से फिटिंग हो रहा है, ठीक है। तो काउंट वाले मैंने यहां पर फिट कर लिया, फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला काम है वो है डायरेक्टली यहां से एडिट के ऊपर जाना, डिलीट के ऊपर जाना और यहां से डिलीट हिस्ट्री को डिलीट कर देना। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये हिस्ट्री अनलिंक हो गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा और ये वाला जो लाइन है मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ओके। तो लाइन हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल डी कर लूंगा, ओके। कंट्रोल डी करने के बाद मैं इसको जितनी बड़ी हमें कार बनानी है उससे थोड़ा सा कम, ओके, तो मैं यहां से इतना बड़ा ले लिया हूं, ओके। इतना बड़ा लेने के बाद मैं क्या करूंगा, दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं जाऊंगा मेस में और यहां से मैं मिरर वो डायलॉग बॉक्स को ऑन कर लूंगा और ये कॉपी वुड ये सब क्रिएट है, आप इतना कर लीजिएगा और उसके बाद डायरेक्टली मैं मिरर कर दूंगा। तो जैसे ही हमने मिरर किया, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है कार बनकर रेडी हो चुका है, वो भी इसकी स्मूथनेस जो है वो गजब का है, ठीक है। अब आप चाहे तो यहां पर जो है इसका गेट वगैरह वगैरह को कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट क्लिक कीजिए, फेस मोड में जाइए, ओके, आपको जाने के बाद यहां ड्रैग कर लीजिए जितना बार आपको काटना है, ओके, और डायरेक्टली उसको डिलीट कर दीजिए तो गेट कट जाएंगे, ओके, ठीक है। आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन ये देखिए आपको होल दिखाई देंगे, अगर पीछे वाला मैं काटता तो आपको जरूर दिखाई देता, देखिए ये होल जो है कट चुका है। तो इस प्रकार से गेट वगैरह वगैरह हम सारे कुछ जो है अगली वीडियो में कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे गाड़ियों के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ओके, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।